नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर के साथ शिवानी पांडे। अमेरिका से व्यापार को लेकर चीन अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 6 देशों के विदेश मंत्रियों से मंत्रणा कर चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आया है जो पास हो गया तो ट्रंप चीन पर प्रतिबंधों की बरसात कर सकते हैं। अमेरिका के 9 सीनेटर्स वहां की संसद कांग्रेस में एक बिल लाए हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे देगा। अगर ये अधिकार मिल गया तो ट्रंप चीन को जवाब दे सकते हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस बिल को 8 सीनेटरों ने कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में पेश किया है। इससे राष्ट्रपति ट्रंप को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो चीन को 60 दिनों के भीतर कोरोना पर जांच में सहयोग के लिए बोल सकें। ये जांच खुद अमेरिका करेगा। ट्रंप को ये भी अधिकार होगा कि वो चीन में चलने वाले वेट बाजारों को बंद करा सकें। अगर चीन आनाकानी करता है तो ट्रंप उसके व्यापार की संपत्ति सीज कर सकते हैं, वो वीजा बैन कर सकते हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अमेरिकी कंपनियों को चीन के साथ कारोबार से रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, वो चीन की कंपनियों को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने से भी मना कर सकते हैं। इस बिल से ट्रंप को वो हथियार मिल जाएगा जो आज की दुनिया में बड़ी ताकत रखता है। उधर चीन दुहाई पर दुहाई दे रहा है कि कोरोना वुहान की लैब से नहीं निकला। वो बार बार कह रहा है कि कोरोना वुहान की वेट मार्केट से निकला। अब इस पर अमेरिका की रणनीति है कि जिस वेट मार्केट की बात चीन बार बार करता है उसे ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट पिछले 20 सालों में 4 बड़े वायरस का जनक रहा है। तो गुस्सा है, अमेरिका लगातार ही कोशिश कर रहा है कि वो चीन को कड़ा सबक सिखा सके। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।